एग्जैक्टली क्या ग्रेविटी, ये सब बहुत यूनिक है. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अनाउंस किया कि ये इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म है जिसमें एलियंस एज अ मेन कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं पे पूरी कहानी आधारित है. तो प्लीज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में सबको बताएंगे प्लीज. एक्चुअली ये जो सारा कंटेंट था ये वरुण जी का था. तो मैं जब भी बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर में जाता था पहले अभी, तो मेरे माइंड में एक ही बात आती थी कि यार सारी लव स्टोरी वगैरह आ ही रही हैं, मोस्टली सब एक्शन मूवीज भी आ रही हैं, तो मैं क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, सबसे पहले वो देखेंगे. तो वरुण जी जब मेरे पास आया तो इन्होंने मुझे अभी शायद हाफ ही स्टोरी सुनाई और मैंने तभी डन कर दिया. मैं कहा यही करूँगा था. और बहुत अच्छा कंसेप्ट है. जब मैं मूवी देखी है तो कम से कम मैं 50 बार देख चुका हूँ बनने के बाद. तो मैं इतनी बार देख चुका हूँ तो मैं माँ अपने दिल से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि ये मूवी जरूर चलेगी, लोग इसको जरूर शूट करेंगे. लंबी जर्नी रही है. मैं कुछ डिफरेंट फिल्म बनाना चाहता था. काफ़ी टाइम से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में एडिटर एज असिस्टेंट डायरेक्टर. तो काफ़ी फिल्में देखी हैं मैंने. कुछ एक साइंस फिक्शन या कुछ एक डिफरेंट फिल्म जो रिप्रेजेंट कर सके मुझे या कंपनी को किसी को. जब मैं इनके पास गया मैंने स्टोरी नरेट की इनको, तो वो होता है कभी कभार सोच मिल जाती है आपकी, तो कनेक्ट अच्छा हो गया. प्रोड्यूसर मान गए. जब एक डायरेक्टर के पास अच्छा प्रोड्यूसर आ जाए तो कुछ दिक्कत ही नहीं होती, फिल्म बन जाती है. और फिल्म बनने के बाद जब मैंने इनको दिखाई, इन्हें स्क्रीनिंग की या सबको बहुत अच्छी लगी फिल्म, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. आपका विजन लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है, लोगों को समझ रहे हैं उसको. और एक डिफरेंट फिल्म जो नॉर्मल नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकता. साइंस फिक्शन फिल्म होती है, ग्रेविटी है, साइंस है, बहुत कुछ है. ऐसी फिल्म बनाना प्रोड्यूस करना इसके लिए बहुत गट चाहिए. तो मैं तो पहले गुरुदेव जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा. एक ऐसा विजन जो हर आदमी नहीं समझता, हर आदमी प्रोड्यूस नहीं करना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बिजनेस है और कुछ नहीं है. पर कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग बनाने के लिए इन्होंने हेल्प की. इन्होंने कंपनी फाउंड की जिसमें इब्ने बतूता फिल्म बनी. उसके बाद हमें पैनन कैमरा महमूद जी जो प्रेजेंट कर रहे हैं फिल्म को, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं.